हारे और मोदी जीते। ये लोग आज कैंप बनाकर चले अकेले अकेले लूटने गए। एक बार मेडिकल इंश्योरेंस, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, हम पत्थर खा के दुआएं देने वाले आका की मानने वाले हैं। हम जुमे की नमाज के बाद पत्थर फेंकना ये मेरे आका का आदर्श मदीना में नहीं सिखाया। बच्चों को रोजगार मिले, 24 घंटे बिजली मिले, यहाँ के अंदर ये जो चुनाव है डेमोक्रेसी में लोग साथ दे रहे हैं, लोग साथ आ रहे हैं, 24 घंटे मिलती बिजली मिले, इनको कोई दिक्कत नहीं हो, लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ हैं, विकास के साथ हैं। इस इलाके में बीजेपी की इतनी बड़ी रैली कभी हुई नहीं थी जितनी बड़ी रैली आज हुई है। ये इशारा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है, और डेवलपमेंट और विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम यहाँ के बच्चों को तालीम के रास्ते पे ले जाएंगे। जो लोग बच्चों को भड़काते थे उनको उनकी बातों में नहीं आना है। सबको कलम उठाना है, किसी को भी बंदूक नहीं उठाना है, और कलम से अपनी तस्वीर और तकदीर बदल लेना है। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आज आप इस रैली में आए हैं तो कहीं जो गुफकार के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो रोशनी लैंड स्कैम है, जब से बीजेपी के नाम आए तब से बीजेपी छुप हुई है, तो क्या स्टैंड है? अभी भी कहते हैं रोशनी में जो भी शामिल है स्कैम में वो बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी पार्टी का नेता हो, और हमारा कोई नेता इसमें नहीं है गलतफहमी, वो गुफकार गैंग नहीं है, गुमराह गैंग है। वो गुमराह करता है लोगों को, आप जानते हैं ना गुमराह करने वाले को क्या कहते हैं, वो नाम में लेना नहीं चाहता। ये गुमराह ना करे, सही रास्ता है तरक्की का रास्ता। ये महबूबा मुफ्ती, ये उमर अब्दुल्ला साहब, ये जितने लोग हैं इन्होंने आज तक क्या किया, डेवलपमेंट पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते, उनसे पूछिए डेवलपमेंट पर उनकी जबान क्यों बंद हो जाती है। अटैक किया तो अननोन गनमैन से अटैक किया है, जिसने भी किया किसी पर अटैक नहीं होगा, हम सबकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। इसीलिए तो मैं भी कहीं जाता हूँ, कल इलेक्शन था और मेरी सभा तो जहाँ आगे भी जाने वाला हूँ प्रशासन ने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन आज नहीं कर सकते। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको स्टेट का काम है सबको हिफाजत में रखना। बीजेपी ये बताएं, आपने अपने स्पीच में ये कहा कि जो अल्लामा इकबाल ने शायर कहा था, और उस वजह से आपने कहा कि मतलब यहाँ पे बीजेपी की जो पॉलिसी है वो सबको साथ लेने की है, लेकिन जब से बीजेपी सेंट्रल में ये आई है तब से मॉब लिंचिंग और दीगर कहाँ हो रही है, और कम्युनल स्पीच भी आ रहे हैं बीजेपी की जानिब से। बहुत सारे लीडर्स की तरफ से, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं कहता हूँ हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर चलेगी। जो हक तरुण चुग जी को है वही हक हिंदुस्तान के संविधान ने शाहनवाज हुसैन को दिया। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, कहीं गोली से मार देते हैं किसी और मजहब वाले को। अगर बीजेपी में बुरे लोग हैं उनको उनके हवाले से बुरे लोग कानून काम करता है, नहीं कोई भी पार्टी का हो कानून काम करता है, कानून किसी के। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुमने मुझे पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में पैदा नहीं किया, सीरिया जैसे बम धमाके वाले में पैदा नहीं किया। दुनिया के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश क्या हो सकता है? कुर्बानी का चमड़ा का ज़कात खैरात लेकर जीने वाला पाकिस्तान से हम बहुत बड़े हैं। हमारा पड़ोसी हमें गलती से मिला, आसान हो